स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत झांसी के लक्ष्मीबाई पार्क स्थित तारा मंडल के निर्माण के लिए आज झांसी ललितपुर के क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा के द्वारा भूमि पूजन किया गया। झांसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कराए जा रहे विकास कार्यों में यह तारा मंडल एक मील का पत्थर साबित होगा। इस तारा मंडल का निर्माण एक साल के अंदर कर लिया जाएगा, जिसकी कुल लागत 30 करोड़ रूपए आएगी। DPR तैयार कर ली गई है, साथ ही इसका टेंडर भी हो चुका है। आज विधि विधान के साथ झांसी सांसद अनुराग शर्मा के द्वारा भूमि पूजन कर इसका उद्घाटन किया गया। सांसद जी, क्या प्रोग्राम रहा आज, यहाँ क्या किया है? आज हमारा भूमि पूजन था ये तारा मंडल के लिए, या जिसको अपने वहाँ प्लानिटोरियम कहते हैं, उसका भूमि पूजन था। आदरणीय मेयर साहब और हमने मैंने मिलकर किया। झांसी के लिए काफ़ी बड़ी सौगात है स्मार्ट सिटी के अंडर में। ये तकरीबन 36 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें 100 से 150 बच्चे एक साथ में बैठ कर, जो बिल्कुल आधुनिक 3D फिल्म जो होती हैं पूरे मंडलों पर, एस्ट्रोनॉमी पर देख सकेंगे, और वॉक इन स्क्रीन्स भी हैं, सब जगह जाके देख सकते हैं, अपने पूरे ब्रह्मांड के बारे में समझ सकेंगे, और स्कूल के बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को और पर्यटकों को उसका विशेष लाभ होगा। कब तक इसका हो जाएगा काम? इसका एक साल का तकरीबन एस्टिमेटेड है हमारा समय, एक साल के अंदर हो जाना चाहिए।